भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में प्रवासी कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी और प्रदेश प्रभारी विजय राहटकर सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बैठक में 200 प्रवासी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जो पूरे भारत की लोकसभा सीटों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों के संदर्भ में भाजपा की तैयारियों और उम्मीदवारों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्रियों ने प्रवासी कार्यकर्ताओं से प्रत्येक सीट पर भाजपा की स्थिति, जीत के संभावित मार्जिन और कमजोर उम्मीदवारों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। बैठक का उद्देश्य प्रत्येक बूथ स्तर पर भाजपा की रणनीति की समीक्षा करना और चुनावी तैयारियों को और मजबूत बनाना था। प्रवासी कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आकर बैठक में भाग लिया और अपने क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बताया और कहा कि प्रवासी कार्यकर्ताओं का योगदान पार्टी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इस बैठक से स्पष्ट होता है कि भाजपा के आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और प्रवासी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से चुनावी रणनीति को और प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है। देखिए, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है, प्रचार से लेके और फील्ड तक, मैनेजमेंट तक की, बूथ तक की, वो कोई इसका मुकाबला कर नहीं सकता। विपक्ष में कोई दम नहीं था। हम लोग राजस्थान में भी काम किए, राजस्थान से बाहर भी काम किए, तो उसका व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। देखिए, ऐसा है, ये सब बातें हैं, अभी कुछ ही क्षणों में आप एग्जिट पोल भी देंगे और एग्जिट पोल के अलावा भी जब 4 तारीख को असली रिजल्ट आएगा तब सबकी चीज़ें सामने आएगी। ऐसी कोई बात नहीं, जितनी बातें हैं उतने आते हैं, सब लोगों की अपनी अपनी बातें आती है। देखिए, कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ताओं को भी अपने नेता के ऊपर विश्वास नहीं है और कोई भी राहुल गांधी को या गांधी परिवार को अब भी गंभीरता से नहीं लेता है। जिस तरीके के हालात उन्होंने देश के अंदर बनाने की कोशिश की, लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की, ओबीसी को डिवाइड करने की कोशिश की, तुष्टिकरण की राजनीति करने की कोशिश की, भ्रम पैदा करने की कोशिश की, लोगों को डराने की कोशिश की, तो जनता सब जान चुकी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और जो संकल्प उन्होंने लिया था आपकी बार 400 पार, वो यथार्थ के अंदर चरितार्थ भी होगा। लगता है कि एग्जिट पोल बहुत बाद में संकेत देने लगे। भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी उससे पहले ही हम विश्वस्त थे कि गरीब कल्याण से लेकर के देश के सम्मान को बढ़ाने तक जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल तक काम किया है, देश एक बार फिर सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने और देश को विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने वाली है। देखिए, चुनाव कितने भी चरणों में हो, राजस्थान की जनता हो चाहे देश की जनता हो, प्रभु श्री राम के चरणों में वोट डालना चाहती है और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर सब लोग इस बार तय कर चुके, राजस्थान की 25 सीटें लोकसभा की और पूरे देश में 400 के पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जनता ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी फिर से देश का नेतृत्व करे। सीटों का लेकर के चले थे, हमें पूरी उम्मीद है कि देश की जनता ने आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी को दिया है और नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं अभी सीधा पंजाब से आ रहा हूँ और पंजाब में भी जो हमारा लोगों ने विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी को जताया है वो काबिल-ए-तारीफ है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपना संकल्प जो था उसको पूरा करेंगे।